लाहौर सेंटर फॉर एक्सलेंस इन आईपीआर और यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख करगिल कैंपस के कोलैबोरेशन में एक अहम टॉपिक पे चार रोज़ा एक वर्कशॉप मुनक्कद किया है। खासकर आपको बताते चले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम टॉपिक है और जिसके बारे में शायद करगिल लद्दाख में बहुत सारे लोगों को जानकारी कम है। सर आप सभी का वेलकम करते हैं। तो सबसे पहले एक अहम टॉपिक पे आप लोगों ने ये वर्कशॉप किया है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख करगिल कैंपस के इश्तराक से। यकीनन जानते हैं बहुत सारे इनोवेशन होता है, क्रिएशंस होता है, लेकिन उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, पेटेंडिंग कैसे करना है, तो उस वाले से जानकारी नहीं होता है। तो इस चार रोज़ा वर्कशॉप के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे और कैसा रहा ये वर्कशॉप और जो पार्टिसिपेंट्स था उनकी किस तरह की रिस्पॉन्स देखने को मिला? बौद्धिक संपदा अधिकार इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसकी अवेयरनेस इंडिया में कम है, तो उसके लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हमारा सेंटर ने काम चालू किया है 2016 से। उसके तहत हमारे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के साथ हमारी MOU है जिसमें हम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं। इसका उद्देश्य एक है कि जो बौद्धिक संपदा अधिकार आपको मिलाने हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो आपको मिलाने हैं आपके संशोधन पे, तो उसका वो तरीका होता है, वो तरीका प्रोसेस होती है, एंड उसके बारे में जानकारी शायद कम है, तो वो हम अवेयरनेस बढ़ाते हैं। पैटेंट एक है, IPR में पैटेंट एक चीज़ है, बाकी और दो तीन हैं, लेकिन पैटेंट पे काफ़ी इम्पोर्टेंस है। एंड दूसरी बात यह है कि अगर पैटर्न मिल भी जाए तो उसका आगे क्या करना है, वो जो आपने जो क्रिएट किया, प्रोडक्ट क्रिएट किया जिस पे आपको पैटर्न मिल गया, तो अभी मार्केट पे भी ले जाना है, तो वो कैसे, उसमें क्या IPR का रोल है, उसमें क्या तकलीफ है जो उठानी पड़ती है, वो सब दिखना है। और उसके बावजूद मार्केट में भी लेके आए तो आपको आपके संशोधन का आगे आगे देखना है, जो कंपटीशन पे का साथ देखना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं जो जिससे अपनी IPR पैटर्न्स प्रोटेक्ट भी हो सकते हैं और कोई कॉपी भी नहीं कर सकता है, वो उसके लिए भी जानकारी चाहिए। तो ये टोटल चार दिन में ये सब कॉम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन, एक संशोधन से कैसे बौद्धिक संपदा क्रिएट होती है, उसका अधिकार कैसे लेना है, पैटर्न कैसे लेना है, पैटर्न लेने के बाद उसको मार्केट कैसे ले जाना है, और उसके साथ ही प्रोटेक्ट कैसे करना है, क्योंकि आपके पास 20 बरस मिलते हैं आपको एक्सक्लूसिव राइट्स, तो उसमें आपको ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। सर खासकर आप स्पेशली USA से आए हैं, आप प्रोफेसर और प्रेसिडेंट बैनागर कंसल्टिंग सर्विस USA से हैं, तो इस वर्कशॉप में जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे और ख़ासकर जो स्टूडेंट तबका है, उनको आज से अगर IPR के बारे में जानकारी है तो आने वाले वक्त में कितना उनके लिए मुफीद और फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? जब आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हो तो उसमें IP होती है, दैट इज़ इनडिस्प्यूटेड, गारंटीड होती है, क्योंकि वो IP इज़ क्रिएशन ऑफ द माइंड, जो आप काम करते हो उस पर आप माइंड लगाते हो तो उससे जो क्रिएट होता है उससे IP होती है। तो उनको आगे जाके देखना चाहिए कि भाई ये हमने क्रिएशन जो किया है उसका क्या कर सकते हैं। तो अभी यूनिवर्सिटी का कैरिकुलम जो है या जो पढ़ते हैं उसमें प्रोजेक्ट करने के बाद रोकना नहीं चाहिए, प्रोजेक्ट का जो कंक्लूजन्स आते हैं उसको एक स्टेप आगे जाके देखना है कि भाई ये प्रोजेक्ट का जो नतीजा है वो ये हम पैटर्न से प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्या, और फिर उसके बाद और जाके वो मार्केट कर सकते हैं क्या। तो वो सब आपको करेंगे तो आपको प्रोजेक्ट की भी सेटिस्फैक्शन मिलेगी जी, प्लस आप देश को हेल्प कर सकते हो, हेल्प कर रहे हो, उससे आपको आपके ऑल द पॉपुलेशन यू आर हेल्पिंग, एंड उससे देश आगे बढ़ सकता है, बढ़ता है, तो आप भी बढ़ते हो, आपका देश भी आगे बढ़ता है। तो आप सर करगिल में रहे हैं, करगिल को लेके आप क्या कहना चाहेंगे, और ख़ासकर मैम ने अपने स्पीच में भी कहा कि करगिल के जो अहम एक प्रोडक्ट हैं एप्रिकॉट के बारे, उस हवाले से भी आपसे रिक्वेस्ट किया कि एज ए ब्रांड जो है इसको भी आगे ले जाए।
एप्रिकॉट जो फ्रूट है वो तो बहुत बरसों से पहले पता है, आई मीन सालों से, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स वी नो दैट, पर उसके जो गुण तत्व है, गुण है, गुण का क्या कर सकते हैं? तो वो उसका तत्व निकाल के, अगर एप्रिकॉट आपको पता है कि वो कॉस्मेटिक्स में यूज़ करते हैं क्रीम में, जिससे त्वचा मुलायम रहती है, तो उसके मेडिसिनल वैल्यूज़ भी है, प्लांट के मेडिसिनल वैल्यूज़ भी है, तो वो रिसर्च के साथ से वो निकाल सकते हैं और उससे फिर पैटर्न लेके बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सर। प्रोफेसर उमेश बानकर हमारे साथ बात कर रहे थे और डायरेक्टर यूनिवर्सिटी लद्दाख करगिल कैंपस मैम कनीस फातिमा भी हमारे साथ हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे, इस तरह के वर्कशॉप्स लगातार यूनिवर्सिटी लद्दाख के करगिल कैंपस में देखने को मिल रहा है, तो इस वर्कशॉप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कितना सक्सेसफुल देखने को मिला है और कितना ये फ़ायदामंद साबित हो सकता है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, जो है इन्वेंटर्स के लिए, क्रिएटर्स के लिए? देखिए, आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख का सबसे बड़ा जो एंडेवर है वो यही है कि हम हर चीज़ को यहाँ पे एक्सीलेंस की तरफ ले जाएं। तो इस प्रोग्राम में, ये लद्दाख रीजन में एक फर्स्ट काइंड ऑफ इट ये प्रोग्राम है पूरे रीजन में, और हम यूनिवर्सिटी ने इसका इनिशिएटिव ले लिया है और ये पहली बार जो है कारगिल कैंपस में 4 दिन का वर्कशॉप प्रोग्राम हुआ, जिसमें जैसे कि बताया गया कि आप डॉक्टर उमेश प्रोफेसर यूएसए से आए हुए हैं और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गोवा जो मैडम भी वहाँ पर है और आप इनके प्रेसिडेंट हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने पहले ही इनके साथ एमओयू किया हुआ है ताकि खाली एक ही स्टडीज़ पर फोकस देने के बजाय हम जितने भी रिसर्च प्रोग्राम्स हैं स्टूडेंट्स को हम तैयार करें रिसर्च के लिए कि किस तरह से, और स्पेशली हमारे यहाँ इस रीजन में क्या क्या हमारे पोटेंशियल्स हैं जिस पर रिसर्च किया जाए और फिर उस पर आप लोगों को कितना इसका फ़ायदा मिलेगा और फिर स्टूडेंट्स जो है इसमें काम करें, तो इसलिए यूनिवर्सिटी ने ये इनिशिएटिव ले लिया है और ये 4 दिन का जो रिसर्च प्रोग्राम वर्कशॉप हमने फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स के लिए रखा है और हमारा यही इंटेंशन है कि हम यूनिवर्सिटी के जितने भी हमारे एक्टिविटीज़ है, प्रोग्राम्स है, वो सब एक्सीलेंस की तरफ ले जाएं, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी एक बहुत बड़ा फोकस्ड एरिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख करगिल कैंपस की जानिब से स्टडीज़ को और ख़ासकर जो इनोवेटिव आइडियाज़ को एक्सीलेंस कर मिलाने की कोशिश किया जा रहा है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो एक अहम टॉपिक है, इसके ऊपर एक 4 रोज़ा अहम वर्कशॉप मुनक़द किया है और आने वाले वक्त में इस वर्कशॉप के ज़रिए उन पार्टिसिपेंट्स को ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश की है कि अगर किसी के पास अहम आइडिया है, किसी ने बेहतरीन तरीके से एक इनोवेशन किया है, क्रिएशन किया है, इन्वेंशन किया है, उसको कैसे मार्केट में प्रोटेक्ट करना है, उसको कैसे पेटेंट करना है, उस हवाले से जानकारी पहुँचाया है। मुसा तुमिल के साथ मोहम्मद इसाक, गुलिस्तान न्यूज़।